दिलदम गदगद हो गया हमारा। हम सोचे भी नहीं थे कि आप बस ऐसे ही कॉल किए, लेकिन चलिए माता की कृपा। हे गाइस, व्हाट्स अप, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और यहां पे आ चुके हैं हमारे सुपरस्टार। यहीं पे है। कहां भैया, तू तो फरमाना उठावा था बुला के। बात हो रही थी किट्टो से। इधर ए किट्टो। किट्टो हां, अभी सोच रहे थे इसको कॉल कर। ए किट्टो रानी, किट्टो रानी क्या देख रही हो? वंदना दीदी नमस्ते। हैं हम लोग यहां चले हैं, कब जा रहे हैं? क्या करे, तुम बुलावत नहीं हो तो तुम्हारे भाई बुलावत है, तो हम आ गए। अरे तो हम ठीक है, आप तो खुद ही शादी में। चलो कल 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 सुबह पहुंच जाएंगे तुम्हारे मायके। वंदना दीदी नमस्ते। वंदना दीदी उल्लू लोग को दिख जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। अरे वंदना दीदी नमस्ते। किट्टो को दिखेगा खाली। चलो रखो, अभी पहुंचते तब बात करते हैं। अरे आइए, वेलकम है बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा। तो गाइस, दीपक भाई बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे अगर आप नहीं आएगा तो। हम बोले कि नहीं, हम तो अब आएंगे। हम सोचे निकल जाते हैं। बोले कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, हम खाना ही नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे घर में। बोले आप तो ज्यादा हो गया, अब हम तो पक्का आ रहे हैं। चल मिश्रा जी को बोले। और थोड़ा फेंकना है कुछ? नहीं, कुछ फेंकना नहीं अभी, बस आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। ए छोटू भी आया, आज देखा मैंने वीडियो में, एयरपोर्ट में देखा। चलो हाँ उतर जाओ, लो तुम फोन। बस करिए। बाबू लग कर देना ना, गाड़ी लग कर दीजिए, बाकी ले लेते हैं। तो हम लोग बंद हो चुके हैं। दादा दादी मरे, सो गए सब लोग। सोए हुए आदमी को पैर नहीं छूते हैं। आ जाओ, चलो सुबह मिल लेते हैं। हाँ दादा दादी, दादी हैं, प्रणाम। महंगी दादी बंद हो गया? हाँ बंद हो गए। किट्टो की दादी हैं हमारी दादी, किट्टो की दादी एक ही हुई ना। आज यहाँ पर चलते हैं। नमस्ते। ए भाई, गरीबों का घर है, भाई ये अरबपति माल है यहाँ तो। पापा ये गरीबों का घर है, अरबपति माल है यहाँ पे, मेन रोड पर दुकान है इतना, समझ रहे हो गाइस आप लोग? किट्टो को आ रही है, हम आ गए था, तुम आ रही है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सदी ये सदी यही हुआ है ना जी? हाँ सदी यही हुआ है। किट्टो का नहीं, एक और शादी हुआ अभी। किट्टो का शादी यहाँ सब पीछे सब बना था ना। वाह, ये तो पूरा एकदम जुगाड़। अमित भाई यही बारात लेके आए थे। इसी में रहते ही थे वो। अमित भाई, भाभी अब 16 पे बुक जा रही है, ठंडा भी लग रहा है। चलो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किट्टो के मायके। पहली बार पहुंचते पहुंचते ढाबा बोल दिया हम लोग, सोचे नहीं थे कि आएंगे, लेकिन दीपक भाई हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा सचिन भाई, आप आ गए। सही, दिल एकदम गदगद हो गया हमारा। हम सोचे भी नहीं थे कि आप बस ऐसे ही कॉल किए, लेकिन
चलिए माता की कृपा। हम बोले रास्ते में, अब हम सोचे गांव की शांति है, वो भी बोली थी वहां जाने के लिए, लेकिन अब उनका गाजीपुर पीछे, तो गाजीपुर रहती है ना, तो वापस उसी रोड में जाना पड़ता हमको। हम बोले कि अब वहां से फिर वापस 100 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर का लगभग घेरा पड़ रहा था, तो हम ड्रॉप कर दिए। छोटू भी आ गया हमारा, शांति के घर भी हम पक्का जाएंगे 100% बहुत जल्दी जाएंगे, उधर से वापसी में आते टाइम उसके घर आ ही जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपने दर्शन दिया, पहली बार हमारे घर। क्या होता है, अपना घर है, किट्टो का घर, मनीषा का घर एक ही है, तो ये हमारा ही तो घर है। दूसरा मायका, मैं अपने पहुंच गई मायके। लेकिन किट्टो हमारी बहन का क्या था, धुंध भी कह रहे थे कि धुंध एक्सप्रेस वे पे ज्यादा हो जाता होगा ना, खुला था ना, हां एक्सप्रेस वे पे धुंध है, तो अपडेट आया था, तो फिर मैंने बोला कि चलो सुबह ही निकलेंगे। तो अभी रात के कितने बज चुके हैं, 10:30 हो गए, सुबह सुबह अपन सुबह 7-8 बजे के आसपास निकल जाएंगे, आँख खुलेगा और सीधे निकलेंगे, नाश्ता पानी कुछ नहीं, नहीं सब बनेगा कि सब व्यवस्था मैंने कर दिया है सुबह तक का। फिर किट्टो के पास जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी घर है ना, वहाँ अटेंडेंस लगाएंगे। रुकते रुकते जाने का रुकते रुकते जाने का फायदा है कि आराम से मतलब बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, बाकी देखा जाएगा, अगर वो रहा तो डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, थकान नहीं रहा तो, रहा तो रुक जाएंगे, नहीं दिल्ली में काम है रुकेंगे। तुम्हारे पेपर 18 को है 19 को है, बट एडमिट कार्ड भी तो मिल रहा है ना, मंडे को हमारा लास्ट डेट है, और नो ड्यूज का फॉर्म भी भरना है। चलो तो आप लोग बने रहिए, कल कौन सा डे है, कल है शनिवार, सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे को जाएंगे, बने रहो गाइस, खूब सारा एंजॉय करो। तो गाइस देखो, इधर वंदना दीदी बात कर रही है, उनको सुकून नहीं है, इधर अमित और किट्टो बात कर रहे हैं, इन लोगों को सुकून नहीं है, सब सोच रहे हैं कि अरे यार हम लोग नहीं है और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है ना तुम भी आती। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो रात को सो गया था और अभी तो आँख ही नहीं खुल रहा है, इतना भयंकर, अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, भाई साहब अचानक से लाइट आँख में पड़ रही है, आँख ही नहीं खुल रही है। सो मैं भी आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं, क्योंकि रात को धुंध भी हो रही थी, तो मैंने बोला कि चलो रुक जाता, और दीपक भाई का फ़ोन आया, मैंने बोला और मैं सोचा कि निकल जाता हूँ, जैसे मैं सोचा कि निकलूँ वैसे दीपक भाई का फ़ोन आ गया, अरे भैया कहाँ हो, आया नहीं अभी तक, मैंने बोला कि अरे यार आ रहा हूँ, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, वैसे अमित किट्टो होते तो और मज़ा आता, उनके मायके पे ही रुके, रास्ते में है ना, क्योंकि वाराणसी गया हुआ था, तो अब यहाँ से फिर दिल्ली निकलूँगा, एकदम बिल्कुल पास में ही था, तब यहाँ से हम लोग का ड्राइव जो होने वाला है आई थिंक लगभग 900 किलोमीटर के आसपास का होगा, 900 या 1000 किलोमीटर के आसपास, तो उसको भी जल्दी से कवर करेंगे, जल्दी से, क्या अब तो लेट हो ही गए, अब तो थोड़ा आराम आराम से जाएंगे, बट चलो उठते हैं फटाफट निकलते हैं। एंड आज के ये ब्लॉग आप लोगों के लिए छोटा सा ही रह गया, तो चलो दूसरा ब्लॉग भी जल्दी से ले आएंगे, आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि छोटू कौन है, तो मैंने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी बताया हुआ है, राशिद वगैरह कमेंट का रिप्लाई कर दे रहा है या कोई भी, तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया हुआ है बहुत सारा, तो मैं ये वर्क दे रहा हूँ ना, आप लोग एक बार सर्च करो छोटू कौन और कमेंट में बताओगे छोटू कौन है, मैं आपको देखता हूँ, बहुत प्यारा सा बच्चा है, काफ़ी हेल्प करता है, उसको अभी हम लोगों ने वीडियोज़ वगैरह के लिए साथ में रखा हुआ है, और कहाँ घर है, क्या है, कैसा है, सब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बस चलो अब उठते हैं थोड़ी देर में, सब लोग तो उठ ही चुके होंगे, सबसे अच्छी बात घर की पता है क्या, घर तो ऐसे बहुत खूबसूरत है, गेट बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब बड़ा बड़ा अलमारी अलमारी में आराम से घुस जाएगा, सब नींद बहुत आ रही है, तो चलो उठते हैं अब यहाँ से और निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो और दिक्कत होगा। एंड चलिए बने रहिए आप लोग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक, और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स अगेन, बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिए।